दीपा जी और बाकी सब बडिंग यंग आर्टिस्ट ने एक एग्जीबिशन मुनक्किद की है पेंटिंग्स की. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग ऑल दीज वंडरफुल आर्टिस्ट. एज आई नोटिस सम ऑफ देम आर बैंकर्स, सम ऑफ देम आर डॉक्टर्स, सम ऑफ देम आर इंजीनियर्स, कुछ सरकारी मुलाजिम हैं. मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे आर्टिस्ट को रिकग्नाइज करने में, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इंडिया आर कंट्री इज़ अ सिविलाइजेशनल स्टेट. वी आर ऑलमोस्ट 4,000-5,000 ईयर्स ओल्ड. लाइकवाइज जम्मू कश्मीर इटसेल्फ इज़ अ वेरी सिविलाइजेशनल स्टेट. देयरफॉर वी आर क्रूसिबल ऑफ डिफरेंट आर्ट्स, कल्चर्स एंड हेरिटेजेस. मुझे लगता है पूरी कंट्री की तरह हमारे यहाँ भी श्रीनगर इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी इन द कंट्री. एंड हमारे यहाँ आर्ट, कल्चर, हेरिटेज जम्मू में या कश्मीर में बहुत ज़्यादा पिछले ज़माने में वॉज वैल्यूड एंड चेरिश्ड. आई थिंक दीज इवेंट्स, सच इनिशिएटिव्स एंड सच इवेंट्स एंड सच प्लेटफॉर्म्स मेक अस रिलीव दैट पास्ट हेरिटेज एंड ब्रिंग इट बैक टू दैट पास्ट ग्लोरी. जो भी सरकार की तरफ से असिस्टेंस या फैसिलिटेशन चाहिए होगी हमारे आर्टिस्ट को, ये हमारा सबसे सेंसिटिव तरीन तबका होता है समाज का, सोसाइटी का. इसलिए सोसाइटी को, आर्टिस्ट को, आर्ट के कॉनसर्स को इनको इनक्रेज करना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. मेरी मैसेज यही सब लोगों को है, यंग बडिंग आर्टिस्ट या दोज हु हैव नॉट बीन रिकग्नाइज टिल नाउ. एंड लाइक आई सी there is tremendous, tremendous talent in all of these and all of them have been self-taught. So therefore, this is really the crowning glory of this event that these are self-taught artists and inko aisa platform provide karna mujhe lagta hai ek behtareen opportunity hai. I would like to congratulate individually all of them for organizing this event and obviously for providing this space. Like I said, ye cultural awakening ki baat hai and cultural सेंसिटिविटीज़ की बात है कि इस तरह के इवेंट्स को रिकग्नाइज़ किया जाए और इस तरह के इवेंट्स को और ज़्यादा मुनक्किद किया जाए. आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी हु इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस. एंड हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से इस तरह के इवेंट्स और भी मुनक्किद किए जाएंगे. एंड वील मेक श्योर दैट वट एवर नीड्स टू बी डन, ऑल फैसिलिटेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल दीज आर्टिस्ट, बी इट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और एनीबडी एल्स. देखिए, G20 के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आई है और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इवेंट्स अब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में करना है. सो देयरफॉर हमें इस
पूरी चीज़ को उस पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि इसमें आप सब लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि कैसे हमने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डिपार्टमेंट को, टूरिज्म ब्रांड का, जो जे एंड के टूरिज्म का ब्रांड है और इस जगह की अपनी खूबसूरती है, गॉड ऑलमाइटी ने बड़ा खूबसूरत बनाया है जम्मू को और कश्मीर को, उसको कैसे दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ऑल दीज इवेंट्स आर ए स्टेप इन दैट डायरेक्शन। सर, आपने अभी देखा होगा कि हमारी एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है दत्तपत्री, इसी तरह से हमारी जम्मू में बड़े ब्यूटीफुल ऑफ पीट डेस्टिनेशन हैं। सरकार ने 75 ऐसी डेस्टिनेशंस प्रमोट करना शुरू कर दिया है इस साल, एंड यू विल सी दैट इन द टाइम्स टू कम इट मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। दत्तपत्री में अभी एक प्राइवेट ऑपरेटर का टावर स्टार्ट किया गया है विच हैज़ गिवन मोबाइल कनेक्टिविटी। इसी तरह से यूजमर्ग में या बाकी ऐसे डेस्टिनेशंस में, फॉर एग्जांपल आपका सनासर है, सनासर में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से जम्मू में बसोली है, बसोली में डेवलप करने की ज़रूरत है। आई थिंक ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ विल कम अप, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर दैट वी हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग दीज इवेंट्स। यहाँ पर हम एक पेंटिंग एग्जीबिशन कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट मिलजुल के कर रहे हैं, हम 6-7 आर्टिस्ट हैं, जैसे शाजिया जी हैं, इफ्तकार जी हैं, उरफान जी हैं और सबरी राहिला, यस, एंड ऑल आर प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, लाइक दे आर डॉक्टर्स, दे आर बैंकर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर इनटू टीचिंग, और डिफरेंट प्रोफेशन के लोग होते हुए भी दे आर फॉलोइंग द सेम पैशन। तो हमारा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि हम वी शुड कीप आर पैशन अलाइव, और अपने जो भी हमारी हॉबी है हम उसके ऊपर काम करते रहें, जो लोग विद इन अ बाउंड्रीज काम करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर की छवि कुछ इस तरीके की थी कि बीच में आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सप्रेस हो गया था, तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि जो भी आप में, बिकॉज हर, मैंने यहाँ पर हर घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखी है, तो उसको बाहर लाने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है। दैट्स अ सेकंड लाइव्स आर्ट गिल्ड, वो इसी वजह से क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर फॉलोइंग आवर ओन प्रोफेशंस, और साथ में हम अपना पैशन भी परस्यू कर रहे हैं, तो एवरीबडी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क्स, आप देख सकते हैं सारा, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। हमारे को एक तो मॉल के जो मालिक है फारूक साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला, और रेड FM जो है वो हमारे पार्टनर्स हैं यहाँ, मतलब सपोर्ट की कोई कमी नहीं है हमें। आई थिंक दीपा जी, मीडिया पीपल ऑल्सो, सब लोग हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अच्छा यहाँ पर हमारा ओकेजन जाएगा। Even localites are coming and getting inspired, so that was our main motive. तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से लोग यहाँ आके कुछ interaction करके हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है।